कोल भारत की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 70% जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कोल से प्रोड्यूस होती है। तो इसी चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ कोल सेक्रेटरी श्री अमृतलाल मीना जी हैं। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, कल ही इंटरिम बजट हुआ, 2024 का ये इंटरिम बजट है जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने कोल गैसिफिकेशन पे काफ़ी जोर देते हुए कहा। आप कोल मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाल ही में हमने देखा 8,000 करोड़ का एक अलग बजट दिया गया कोल गैसिफिकेशन को लेके, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अब कोयले का गैसिफिकेशन करके उससे यूजफुल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन की योजना मंजूर की है, जिसके तीन प्रमुख कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड और कुछ अन्य PSUs मिलकर के जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे, जिसमें एक CIL और गेल का है, एक CIL और BHEL का है और एक नाइबिली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। तो ये तीनों जो है अलग अलग तीन प्रोजेक्ट लगाएंगे और इन तीनों प्रोजेक्ट से कोल या लिग्नाइट का उपयोग करके गैसिफिकेशन किया जाना प्रस्तावित है। दूसरा जो कंपोनेंट है उसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है और अन्य गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी करवाई है उसमें ये पाया गया कि इसमें वायबिलिटी लाने के लिए जो फाइनल प्रोड्यूस है उसका प्रोडक्ट ग्लोबल प्राइस के बराबर करने के लिए, जो इम्पोर्टेड प्राइस है उसके बराबर करने के लिए कुछ वायबिलिटी गैप फंडिंग की आवश्यकता है। तो पहले घटक में मैक्सिमम 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और 1,350 करोड़ रुपये और दूसरे में 15% या 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और तीसरा जो घटक है वो है कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स है 100 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के और जिसमें कोई नई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं और कोल का गैसिफिकेशन करके कॉमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो छोटे प्रोडक्ट के लिए तीसरा घटक है जिसमें मैक्सिमम अप टू 100 करोड़ रुपी सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम 15% ग्रांट का प्रोविज़न किया गया है। तो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कोल बहुत जल्दी ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। जो इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं उनसे प्रपोजल लेकर के एग्जामिन करके उनको आगे इन प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए गो हेड दिया जाएगा। कैबिनेट के इस अप्रूवल के साथ साथ सरकार ने पूर्व में कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए दो और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय संशोधित किए, जिसमें एक ये है कि कोल की अश्योर्ड अवेलेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ गैसिफिकेशन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड में एक अलग से लॉन्ग टर्म लिंकेज विंडो का प्रोविज़न किया गया है। तो कोई भी स्टेक होल्डर यदि कोल की लॉन्ग टर्म लिंकेज चाहते हैं गैसिफिकेशन के लिए तो वो इस विंडो के माध्यम से उनको दीर्घकालीन मिल सकती है। दूसरा प्रोविज़न ये किया गया है कि जो कॉमर्शियल और कैप्टिव कोल माइन ओनर्स हैं या जो भविष्य में कोल ब्लॉक लेने वाले हैं, यदि वे अपने प्रोड्यूस का गैसिफिकेशन के लिए उपयोग करते हैं तो जो क्वांटिटी गैसिफिकेशन के लिए उपयोग की जाएगी उस पर जो रेवेन्यू शेयर दे है उसमें 50% का इंसेंटिव है। सरकार ने एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजन 2022 में लिया था कि कोल इंडिया की जो लैंड है डी कोल्ड लैंड उस पर एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसके लिए लीज पर, लॉन्ग टर्म लीज पर ज़मीन मिल सकती है। कोल इंडिया और सब्सिडरीज में अनेकों जगह पर ऐसी उपयुक्त लैंड उपलब्ध है जो प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट PSUs को लीज पर इस पॉलिसी के अंतर्गत दी जा सकती है। तात्पर्य यह है कि इस गैसिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए जहां सरकार ने फंडिंग का प्रोविज़न कर दिया है, लैंड का प्रोविज़न कर दिया है, साथ ही अश्योर्ड कोल की व्यवस्था का प्रोविज़न कर दिया है, तो अब आशा है कि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट PSUs सभी जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वे आगे आएंगे और हमें यह प्रयास है कि जल्दी से जल्दी अधिक प्रोजेक्ट इसमें लागू।
सर, हाल ही में हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में कि कोल इंडिया ने अपनी सारी पीएससी उसको सारी कंपनीज को ये एक एडवाइजरी दिया था कि जो डी कोल्ड माइन है वहाँ पे वो लोग पावर प्रोजेक्ट्स लगाएं, सोलर या फिर पाइप्ड थर्मल जिसको बोलते हैं कि पानी वापस ऊपर जाके फिर वापस आ सके। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा जो विजन 2070 है नेट कार्बन एमिशन ज़ीरो का, उसमें कोल किस तरीके से, कोल मिनिस्ट्री और कोल सब्सिडरीज किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उसका विजन क्या है आपका? देखिए, सामान्य पॉलिसी है सरकार की कि यदि थर्मल पावर प्लांट का एक्सपेंशन होना है या नए बनाने हैं तो कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा है, वशर्ते एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के, तो यथासंभव पिट हेड थर्मल पावर प्लांट बनने चाहिए। इस फर्दरेंस में सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को दो पावर प्लांट सेटअप करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, एक महानदी कोल फील्ड्स में जो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा उड़ीसा राज्य में, और दूसरा जो है वो अनूपपुर में मध्य प्रदेश में, जो SCCL के माध्यम से किया जाना है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ जॉइंट वेंचर। जहाँ तक ग्रीन एनर्जी का प्रश्न है, कोल इंडिया, सिंगरेनी कंपनी और नाइबेली, इन तीनों PSUs ने अपना टोटल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके इक्विवेलेंट ग्रीन एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी विकसित करने के लिए अपना नेट जीरो प्लान बनाया है, जिसमें लगभग 5000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जनरेट करने की आवश्यकता है। तो उस पर बहुत बड़े पैमाने पर तीनों कंपनीज ने काम शुरू किया है, अब तक लगभग 1700 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी होगी। सेस के प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं जो डिफरेंट चरणों में हैं, कुछ में इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, कुछ प्लानिंग फेज में है। प्रयास यह है कि अगले 3 वर्षों के अंदर जो 5000 मेगावाट का नेट जीरो प्लान है उसके तहत प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। कोल इंडिया के पास ऐसी बड़ी लैंड मास है जिसमें से कोयला निकाल लिया गया है और उसका रिपर्पजिंग करके उसको बेहतर नेशनल इंटरेस्ट में उपयोग किया जा सकता है। सर्वेक्षण में ये पाया है कि कई डी कोल्ड माइंस ऐसी है जिसमें बड़ा वाटर रिजर्वायर है, एक नेचुरल हेड उपलब्ध है, यदि उसमें एक अपर रिजर्वायर बना दिया जाए तो ये दोनों रिजर्वायर प्लस हेड मिला करके, और वहाँ आसपास लैंड भी है तो वहाँ सोलर पार्क बना करके, सोलर एंड पंप स्टोरेज मिला करके एक यूनिट बनाई जा सकती है। तो इस तरह की लगभग 20 साइट्स कोल इंडिया ने आइडेंटिफाई की है जिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, फिजिबिलिटी आने पर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए गाइडलाइंस जारी किया है, उसके फर्दरेंस में कोल इंडिया लिमिटेड इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सर, हम लोग अभी भी कोल इम्पोर्ट कर रहे हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, तो आप इंडिया नेट ज़ीरो कोल इम्पोर्टर कब तक हो जाएगा कि हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए हमारे इम्पोर्ट से? इस पे कोल इंडिया और स्पेसिफिकली कोल मिनिस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है? सर, 2026-27 तक क्या हम लोग नेट ज़ीरो हो जाएंगे? देखिए, हमें यह प्रयास लगातार जारी है कि इम्पोर्ट कम से कम हो, इम्पोर्ट घटे, और इस दिशा में हर वर्ष उस दिशा में अचीवमेंट हो रहा है। उसके लिए कोल इंडिया और कैप्टिव एंड कॉमर्शियल सभी अपना प्रोडक्शन को रैंप अप कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप ऐसा अनुमान है कि जो पावर सेक्टर के लिए इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, विशेषकर जो DCB बेस्ड डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट है, वो अगले साल तक सामान्यतः समुचित उपलब्धता विद इन कंट्री प्रोडक्शन से हो जाएगी, क्योंकि इस साल अभी तक 9 महीने में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मात्र 18 मिलियन टन कोल का इंपोर्ट किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। ऑफ कोर्स देर आर 15 इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो डिजाइंड है इंपोर्टेड कोल बेस्ड के लिए, तो वहाँ तो इंपोर्ट होता रहेगा जब तक कि वो अपना डिजाइन चेंज नहीं करे, बट जहाँ तक DCB का प्रश्न है उसके लिए अगले वर्ष तक सामान्यतः कोल की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाएगी, आशा है कि तब इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कई इस प्रकार के ग्रेड ऑफ कोल हैं, पर्टिकुलरली कोकिंग कोल, हाई ग्रेड कोल, जो अपने देश में रिजर्व है ही नहीं, तो देश की इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए उसका इम्पोर्ट चलता रहेगा, बट जो ग्रेड
देश में उपलब्ध है उसका इतना प्रोडक्शन रैंप अप करने का प्रयास हो रहा है सबके द्वारा कि वो ग्रेड हमें इंपोर्ट यथासंभव नहीं करना पड़े। सर, पीएम गति शक्ति में आपने काफ़ी काम किया है, बजट में भी एक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है स्पेसिफिकली कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुछ सालों पहले हमने देखा था कि जो कोल ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसके बाद आप लोगों ने सी रूट को भी इन्वॉल्व किया, तो सी रूट को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है इस नए अनाउंसमेंट के साथ जो बजट में आया है, आप किस तरीके से इसको ईज देखते हैं आपके कोल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर? देखिए, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो नोटिफाई हुई है उसमें विभिन्न सेक्टर्स को ये कहा गया है कि वो अपना सेक्टोरल प्लान ऑफ एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स बनाएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एक सेक्टर है, तो हम लोगों ने अपनी सारी कोल माइंस को, एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर मैप किया और मैप करने के बाद ये देखा कि कहाँ कहाँ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है, कहाँ अतिरिक्त रेलवे लाइन बनाने की ज़रूरत है, कौन ऐसे इलाके हैं जिसमें कंजेशन ज़्यादा है नेटवर्क में, जहाँ पर ट्रिपलिंग करने की ज़रूरत है, चार लाइन करने की ज़रूरत है, कौन इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रेल ऊपर रेल जंक्शन और क्रॉसिंग पर बनाने की ज़रूरत है। ऐसा बना करके हम लोगों ने अपना एक प्रस्ताव बनाया जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कोल लॉजिस्टिक प्लान के रूप में मानते हैं और उसे पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के अंतर्गत सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करके उसकी स्वीकृति ली है और उसको मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया है, कोल इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक्स प्लान। तो उसमें अनेकों ऐसी नई परियोजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की जो दीर्घकालीन योजना है जो कल बजट में जिसके बारे में चर्चा हुई है उसमें शामिल करने के लिए हम लोगों ने भेजी है, और अनेकों कुछ एक ऐसी योजना है जिस पर कोल इंडिया ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिसका कुछ पूर्ण हो गई है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन के फेज में है। प्रयास ये है कि कोल इंडिया की माइंस प्लस कैप्टिव एंड कॉमर्शियल सेक्टर सबकी जो माइंस है उनमें लॉजिस्टिक ईज आए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो और फास्टर मूवमेंट हो सके। मैं ये यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चालू होने के फलस्वरूप जो हम लोग का सोन नगर से लेकर के दादरी तक का जो कोल का मूवमेंट है, पहले 15 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होती थी, अभी ये करीब 48 से 50 किलोमीटर पर आवर हो गया है। तो उससे एफिशिएंसी आई है, रेक्स का फास्टर टर्न अराउंड हुआ है जिसके फलस्वरूप रेक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी है और फलस्वरूप कोल की जो थर्मल पावर प्लांट एंड पर अवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव की है। मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि 31 जनवरी को 36 मिलियन टन का स्टॉक है देश के थर्मल पावर प्लांट एंड पर, जो एक काफ़ी कंफर्टेबल स्टॉक है। सर, बात करें तो ऑलमोस्ट 69,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कोल इंडिया के तहत, कोल मिनिस्ट्री के तहत इनॉग्रेशन होने वाले हैं, प्रोजेक्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं, उस पे आपका क्या से रहेगा? कैन यू पुट सम लाइट ऑन दैट कि इसको आगे किस तरीके से, इसका इनॉग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड, नाइवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार के सामान्य दिशा निर्देश में बहुत बड़े संख्या में प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिसमें मेनली रेलवे लाइंस का ऑग्यूमेंटेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लस फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग फैसिलिटी के रूप में जानते हैं, उस पर बड़ा काम हो रहा है। अनेकों नए स्पर लाइन्स बन रही है, अनेकों रेलवे साइडिंग्स बन रही है, अनेकों रेलवे पर जो लोडिंग फैसिलिटी है उसको ऑग्यूमेंट किया जा रहा है। तो ये सब मिला जुला करके हमारे मंत्रालय के करीब 21 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिनका या तो शिलान्यास होना है और या फिर उद्घाटन होना है। थर्मल पावर प्लांट भी है इसमें, तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट है नाइवेली का, तो उन पर विभिन्न चरणों में उसका उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। एक रेलवे लाइन जो खरसिया से धर्मजयगढ़ थी उसका पिछले वर्ष उद्घाटन हो गया है, फिर दूसरी रेलवे लाइन का भी होना प्रस्तावित है और इसी तरह कई FMCs और कई अन्य प्रोजेक्ट्स का चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। हम लोग क्लोज कोऑर्डिनेशन करके जो PMG फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत जो भी इश्यूज इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे हैं उसको इफेक्टिवली स्टेक होल्डर्स और राज्य सरकार के सहयोग से रिजॉल्व करके फास्टर
विद इन टाइम विद इन कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यही मोटो है, इस पर काम हो रहा है। सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग पे कोल मिनिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, उसको आप इंक्रीज भी करना चाहते हैं, उस पर क्या टारगेट अभी आप लोगों ने सेट किया है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर आपका क्या टारगेट रहेगा सर? देखिए हमारे जो कोल डिपॉजिट्स है उसमें रिलेटिवली हायर ग्रेड का कोल अंडरग्राउंड में है, डेप्थ में, तो उसको निकालने के लिए अंडरग्राउंड पर जोर है, उसके अंतर्गत मैकेनाइजेशन पर विशेषकर जोर है, तो बड़े पैमाने पर कंटिन्यूस माइनर का इंडक्शन हो रहा है, उसके प्लान्स है अगले 2 वर्ष में 3 वर्ष में 4 वर्ष में लगभग 70 से ज़्यादा कंटिन्यूस माइनर का इंडक्शन होना है, साथ ही लॉन्गबाल के माध्यम से भी कई जगह पर प्लान है, तो इस साल लगभग 27 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा, आई थिंक 26-27 तक ये बढ़ करके करीब करीब 40 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो जाएगा। हमारा ये फोकस है कि अंडरग्राउंड कोल माइनिंग को बढ़ावा मिले बाय यूजिंग दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।